लेते हैं प्रॉब्लम। CSIR नेट दिसंबर 2018 पर पूछे गए प्रॉब्लम पर, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम केमिस्ट्री से एक प्रॉब्लम दिया गया है, जो दिया गया है 1D बॉक्स पर, जिसका लेंथ बोला गया है, लेंथ L है, एक्स कोऑर्डिनेट पर 1D बॉक्स दिया गया है, और इसमें एनर्जी स्टेट बोला गया है एन बराबर 1 और एन बराबर 2। इस पर बात करना है अपने को, इस एनर्जी स्टेट पर। क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पोजिशन, ठीक, पोजिशन का एवरेज वैल्यू का डिफरेंस बताना है एन बराबर 1 और एन बराबर 2 एनर्जी स्टेट में, बॉक्स का लेंथ एल है, उस पर क्या होगा, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी एवरेज वैल्यू ऑफ पोजिशन निकालना है अपने को, तो इसको कैसे निकालना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 2/L, बॉक्स लेंथ एल दिया हुआ है, एल ले रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स और एल। किस कोऑर्डिनेट पर दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक। और ये एक्स का वैल्यू हम बता सकते हैं 0 से बड़ा होगा और एल एल तक जाएगा, इस कंडीशन पर ये इसका एक्स का वैल्यू रहेगा, ठीक, सॉरी एल का वैल्यू रहेगा, यहाँ पर जो एल है उसका वैल्यू इस रेंज पर हम बता सकते हैं। एवरेज वैल्यू बताना है आपका पोजिशन का, तो पोजिशन का एवरेज वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन रहेगा कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिट ले लेंगे माइनस, अगर ये एल है तो एल तक, ये 0 से सीधा सीधा 0 से एल के बीच में हम इसका लिमिट ले लेते हैं, ठीक। इस लिमिट पर या तो माइनस ए से ए तक, या जैसा भी लेना है पोजीशन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये एवरेज रहेगा, इस टाइप से एवरेज के लिए सिंबल हम बताते हैं, और ये कंजुगेटेड और डी टाउ, पूरा वॉल्यूम पर इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर तो वॉल्यूम है नहीं तो डी एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला में हम इस प्रकार से बता सकते हैं, ये एवरेज एनर्जी के लिए, सॉरी एवरेज एनर्जी बोलता हूँ, एवरेज पोजीशन के लिए इस प्रकार से फॉर्मूला अपने पास होता है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, साई का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं और इसको लेकर सॉल्व करते हैं, तो एक्स एवरेज पोजिशन बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 0 से L, इस बीच में इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/L और साइन एन पाई एक्स बाई एल, और दूसरा पोजिशन एक्स है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2/L, फिर से वही लेना पड़ेगा इसके लिए कंजुगेट के लिए एन पाई एक्स बाई एल, ठीक, ये हो जाएगा डी टाउ, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, इंटीग्रेशन 0 to L है और ये आ जाएगा 2/L, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 2/L हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई एक्स बाई एल एक्स डी टाउ, इसके बराबर इतना वैल्यू अपने पास आ जाएगा, ठीक। सॉरी ये एक्स हो जाएगा, सीधा सीधा हम एक्स पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या एन बराबर क्या लिए हैं, एन बराबर 1 लिया हुआ है, ठीक, एन बराबर 1 के कंडीशन में यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बाहर हो जाएगा 2/L बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल का, इसका क्या हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लेना है। अब इसका जो वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू क्या आता है, तो इसके लिए बात करते हैं, जनरल एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए एक्स और डी एक्स, या फिर इसी को हम कॉस टर्म पर भी ले सकते हैं, ए एक्स डी एक्स, तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा L/2, ठीक। इसका वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, ये L/2 मिलेगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू मैं, सॉरी ए का वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, पाई एक्स बाई एल रख रहा हूँ, तो ये वैल्यू अपने को L/2 मिलेगा, सॉरी इसका वैल्यू जो मिलेगा ये मिल जाएगा L²4, ठीक। इसका वैल्यू क्या मिलने का अपने को, L²/4। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर, एन की संख्या पर, जो भी रखेंगे साइन 1 तो यहाँ पर एन पाई 1 पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 पाई हो जाएगा,
मतलब 180 360 का वैल्यू सेम रहता है, अर्थात इसके लिए ये जो यहाँ पर इंटीगर रखेंगे 1 2 3 4, तो उस पर ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा अपने को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा L² / 4, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा L/2। ठीक, ये किसके लिए, n = 1 रखे। ठीक उसी प्रकार से अगर n = 2 रखते हैं तो ये वैल्यू सेम आना है, सेम आने के कारण से n = 2 रखेंगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, L/2 ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पोजिशन, तो दोनों वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर n = 1 रखें तो भी L/2 मिला, n = 2 रखें तो भी L/2 ही मिल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो L/2 - L/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या मिल रहा है अपने को, 0 मिल रहा है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, डी। आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा, अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।